हेलो एवरीवन, आई एम आशा, दिस इज़ माय जंगुआर। तो यहाँ पर मेरा कबाड़ खाना हम लोग बाद में देखते हैं, पहले तो हम लोग चल के देखते हैं। मैं किचन में कुछ बना रही हूँ और ये है हमारी गैलरी। लाइट इसलिए ऑफ है क्योंकि लाइट का बिल आता है। और यहाँ पर ताला लगा हुआ, मेरी सिस्टर मायके गई है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। देखिए ये मेरा छोटा सा किचन है, वैसे मैं कुछ बनाती बनाती नहीं हूँ, सब मेरी सिस्टर लोग बना बना कर देती हैं। अभी वो मायके गई है तो इसलिए मैं बना ले रही हूँ। मैंने भैया से बोला बाहर से खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बनेगा। और ये हमारा छत है, छत की इस साइड का एरिया जहाँ पर मैं मॉर्निंग में बैठ कर स्टडीज़ वगैरह करती हूँ। और मेरी सिस्टर ने इतना नीट एंड क्लीन किया हुआ है। यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं स्कूल के यूनिफॉर्म। अभी जैसे ही खाना बनाऊँगी उसके बाद मैं जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म क्लीन करूँगी। और ये है आमने सामने का नज़ारा, उस साइड भी मेरी सिस्टर रहती है। ये देखिए इधर वाले, वो मुझसे बहुत नाराज़ है, मैं बहुत दिन से गई नहीं हूँ उनके पास। और फिर आ जाते हैं हम अपने जंगवार्ड में, जिसे मैंने आज बिल्कुल भी क्लीन नहीं की है, ना ही मैंने ब्रू मिस्टेक की है, कुछ नहीं की है। ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड गर्मी का कूलर, वैसे नैन्सी मेरी बेस्टी है और फिज़ा मेरी छोटी सिस्टर है। और ये देखिए कार्डबोर्ड है, इसमें कुछ सामान है, ये मेरा आई कार्ड है, जूड़ा है और फेयर एंड लवली गोरे यूनिक क्रीम। वैसे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन है क्रीम। और प्रोजेक्ट मैं बनाऊंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए आज मैंने बोला आंटी से, आंटी मैं खाना बनाती हूँ, तो ये नीचे से मेरे लिए खाना आता है, शरबत आता है, तरह तरह की चीज़ें आती हैं। आंटी बहुत प्यार करती हैं, इतना जान लीजिए कि एक जैसे मैं अपनी मम्मी को छोड़ के आई हूँ पढ़ने, तो एक दूसरी मम्मा मिल गई है, तो इसी तरह से आंटी हैं। शी इज़ वेरी लविंग केयरिंग। और यहाँ पर दूध रखा हुआ है, नींबू रखा हुआ है। और इसी ये देखिए मैं स्टडीज कर रही थी, डायग्राम बना रही थी। और ये आयरन रखा हुआ है, सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है। हमारे कॉलेज में इन्वायरमेंट डे का फंक्शन था, ओह माय गॉड, उसके बाद से मैंने अपना रूम अरेंज ही नहीं किया। और ये देखिए